नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 को जो प्रथम पारी में पेपर हुआ उसके शेष प्रश्न हल करेंगे। यानी राजस्थान के अंदर जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 को ली गई थी उसका प्रथम पारी का जो पेपर है उसके कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न हम आज हल कर रहे हैं। तो आज का अपना प्रश्न, पहला प्रश्न है, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता क्या होगी। यानी कोई संधारित्र है जिसमें V का मान, यानी कोई संधारित्र है जिसमें V का मान है 10 वोल्ट और क्यों आवेश बराबर है 0.24 कूलम, तो पूछा है C बराबर क्या होगा, यानी इस कैपेसिटर का मान क्या होगा। तो देखो क्यों बराबर क्या होता है, यानी आवेश क्यों बराबर होता है सी इंटू वी, यानी आवेश बराबर होता है कैपेसिटेंस इंटू वी विभव। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यों बट्टा वी। आवेश का मान क्या है 0.24 बट्टा वी का मान क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 0.024। अब कैपेसिटेंस किस में आएगा, फेरेड में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.024 फेरेड। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो गया ए 0.024 फेरेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है। परम उपकरण क्या कौन से होते हैं कि वह उपकरण जो बहुत कम मान की धारा पर भी विक्षेपित हो जाए, यानी बहुत कम माइक्रो एम्पियर की धारा पर भी विक्षेपित हो जाए वह परम उपकरण होता है, और परम उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर। अब इन ऑप्शनों में देखो कौन सा है, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर, टेजेंट गैल्वेनोमीटर। यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक परम उपकरण होता है, परम उपकरण की श्रेणी में है, यानी माइक्रो एम्पियर की धारा पर भी विक्षेपित हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अब इसमें कौन सा दे रखा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो राइट आंसर क्या हो गया ई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रो फेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल धारिता का मान क्या होगा। यानी कह रहे हैं कि 3 संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लो ये 3 कैपेसिटर है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। कैपेसिटर का मान क्या है, प्रत्येक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड, ये भी है 10 माइक्रोफेरेड और ये भी है 10 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सी टी बराबर 1/1/C1+1/C2+1/C3, 3 है 3 है तो 3। इसके अलावा एक अन्य सूत्र और कौन से हैं, 1/C1+1/C2+1/C3, और यदि सभी समान मान के हैं तो सी टी बराबर C/N भी होता है, यानी C का मान, इसी का से क्या हो गया एक कैपेसिटर का मान N होगी कैपेसिटरों की संख्या, तो यही सूत्र लगा देंगे क्योंकि तीनों समान मान के हैं, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा C, यानी एक कैपेसिटर का मान क्या है 10 माइक्रोफेरेड, संख्या है 3, तो कितना हो गया 3.333 माइक्रोफेरेड, तो कुल कैपेसिटेंस परिणामी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 3.33 माइक्रोफेरेड। किस में है, 3.33 डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या होगा डी 3.33 माइक्रो फेरेड।
अगला क्वेश्चन है, परमियाबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी परमियाबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी किसके विलोमानुपाती है, तो रिलेक्टिविटी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमियाबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती रिलेक्टिविटी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गाउस का नियम निम्न के लिए लागू होता है, गाउस का जो नियम है वो किसके लिए लागू होता है। देखो गाउस के दो नियम है, एक तो चुंबकत्व के संबंध में और एक विद्युत स्थिति के संबंध में। तो अब ऑप्शनों को देखो, इसमें से क्या है कि फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, बी में क्या है फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोश के कारण, ये सभी, तो उपरोक्त सभी में लागू होता है, तो गाउस का नियम इन सभी में लागू होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों को डबल कर दिया जाए, यानी प्लेटों की संख्या को डबल कर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी एक जो संधारित्र है उसका कैपेसिटेंस कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। देखो कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है, तो सी समानुपाती एक बट्टा डी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है, प्लेटों की संख्या के समानुपाती होता है, तो सी समानुपाती एन माइनस वन। अब ये वन क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट प्लेट होगी वो आधी काम करेगी, तो इसलिए माइनस वन, तो सी समानुपाती एन माइनस वन। और जो पैराविद्युतिक पदार्थ है डायलेक्ट, वो जो कैपेसिटर में हम डाल रहे हैं पैराविद्युतिक पदार्थ, उस पर भी निर्भर करता है, तो सी समानुपाती के। अब इसमें क्या पूछा है कि प्लेट समांतर प्लेटों को डबल कर दिया जाए, प्लेटों की संख्या को डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती रहता है, तो सी समानुपाती एन, एन को डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, किसमें है, बी ऑप्शन में, तो दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है उससे लेकर अवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तब तक के समय की मात्रा को क्या कहते हैं, यानी ये क्या कह रहा है कि यदि कोई परिपथ है उसमें अति भारा, यानी अति भार धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान एक सामान्य से ज़्यादा हो गया है, तो उस समय से लेकर जब तक फ्यूज जले, यानी मान लो एक परिपथ है उसमें से 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और अचानक धारा बढ़कर मान लो कि 25 एम्पीयर हो गई, तो 25 एम्पीयर होने के कितने समय बाद वो फ्यूज परिपथ को ओपन करता है, तो जो समय लगता है इस समय को हम क्या कहेंगे, तो इस समय को हम आर्किंग समय या फ्यूजिंग गुणांक भी फ्यूजिंग समय भी कहते हैं। तो आर्किंग इसमें क्या दे रखा है, आर्किंग समय ऑप्शन दे रखा है, तो आर्किंग समय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, आर्किंग का समय, यानी जो अति भार धारा प्रवाहित होने से लेकर फ्यूज परिपथ को तोड़ने तक का समय, यानी गलने तक का समय आर्किंग समय कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, आर्किंग समय। अगला क्वेश्चन है, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया भार 3 किलोवाट, यानी कोई उपभोक्ता है जिसका स्वीकृत जो संपर्क किया गया, अच्छा कनेक्टिंग किया गया भार यानी संयोजित भार 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, यानी उसने अधिकतम मांग कर रखी है 1.5 किलोवाट की, यानी वह कह रहा है कि मैं 1.5 किलोवाट तक का भार ही खर्च करूंगा, यानी उसका स्वीकृत भार है या अधिकतम भार मांग भी कह सकते हैं, इसे स्वीकृत भार भी कह सकते हैं, तो उसका स्वीकृत भार 1.5 किलोवाट है जबकि वह खर्च कर रहा है 3 किलोवाट, तो उपभोक्ता का मांग कारक क्या होगा। तो मांग कारक बराबर क्या होता है,
यानी मांग कारक बराबर या मांग गुणांक बराबर अधिकतम मांग बट्टा संयोजित भार, यानी मांग कारक बराबर होता है अधिकतम भार, अधिकतम मांग बट्टा संयोजित भार या कनेक्टिंग भार भी हम कह सकते हैं। इसको हम अधिकतम मांग को स्वीकृत भार भी कह सकते हैं। तो इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्वीकृत भार बट्टा संयोजित भार, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि स्वीकृत भार बट्टा संयोजित भार। अब देखो इसका जो स्वीकृत भार यानी अधिकतम मांग वो तो क्या है, 1.5 किलोवाट, तो 1.5 किलोवाट। और वास्तव में संयोजित कितना कर रखा है, संयोजित या संपर्क किया गया भार है 3 किलोवाट, तो कितना हो गया 0.5। तो इसका जो मांग फैक्टर है, उपभोक्ता का मांग गुणांक है, जो डायमेंशन फैक्टर है वो क्या हो गया 0.5। तो राइट आंसर क्या हो गया 0.5, किसमें, सी ऑप्शन में, तो सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता के कारण होते हैं, यानी किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता के कारण होते हैं, यानी दो चालकों के बीच धारिता उत्पन्न क्यों होती है, यानी कैपेसिटेंस क्यों विकसित हो जाता है। जो लाइन जा रही है मान लो, तो दो चालक है इनके, इनमें कैपेसिटेंस क्यों विकसित हो जाता है। लाइन ऑप्शन देखो, लाइन में करंट, लाइन में विभव में अंतर, करंट के लीकेज, चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति, सी और डी दोनों। तो लाइन के विभव में अंतर यानी जो दोनों लाइन है उसके विभव में अंतर उत्पन्न होने के कारण कैपेसिटेंस उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन में विभव में, लाइन के विभव में अंतर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता, यानी स्कॉट संयोजन के अंदर जो टीजर ट्रांसफार्मर है टीटी के आर पार वोल्टता द्वारा मुख्य आपूर्ति बढ़ाती है, यानी कितने डिग्री का अंतर रहता है। तो इसका होता है 90 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। तो 90 किस में, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफर परिणामी टीजर ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात की आवश्यकता होती है, यानी संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर का जो फेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो होता है √3/2:1। अब √3/2 का ऐसे क्या हो गया, यानी √3 का मान होता है 1.732/2:1, और इसका ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगेंगे तो 0.866/1, तो किस में है, ई ऑप्शन में, 0.866/1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन है तीन कला परिणाम मित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता में होता है, यानी प्राथमिक लाइन वोल्ट और द्वितीयक लाइन वोल्ट में कला अंतर क्या कितना होता है, किसमें, डेल्टा स्टार में। तो डेल्टा स्टार के अंदर 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री कौन सा, लीडिंग या लैगिंग, तो 30 डिग्री लीडिंग होता है, यानी 30 डिग्री लीड कर रहा है, यानी अग्रगामी, तो 30 डिग्री अग्रगामी। और यदि किसी एक तरफ प्राथमिक या सेकेंडरी के अंदर क्वाइल के संयोजन यानी ध्रुवता विपरीत कर दें, ध्रुवता का विपरीत का से क्या है, मान लो कि स्टार से जोड़ रहे हैं हम, तो प्रथम सिरे को सप्लाई से, सेकेंडरी सिरे को स्टार से जोड़ रहे हैं, इसकी अपेक्षा विपरीत कर दें, यानी प्रथम को तो स्टार से जोड़ते हैं, सेकेंडरी को सप्लाई से जोड़ दें, तो 30 डिग्री लीड की के स्थान पर लेग हो जाएगा। तो इसमें सीधा ही पूछा है तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लीडिंग, यानी 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है, डेल्टा स्टार यानी जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के कुंडलन के अंतः संयोजन कर रहे हैं, और वो भी कौन सा डेल्टा स्टार संयोजन है, तो इसका लाभ क्या है।
अब ऑप्शन देखो, द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता है, दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, तीन फेज चार तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है, उपरोक्त सभी, तो ये सभी डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर के लाभ है, तो ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए उपरोक्त सभी या ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संपनर परीक्षण में एक परिणामितर की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ की कुल वोल्टता है, यानी पहले तो देखो संपनर परीक्षण क्या होता है, इसे हम बैक टू बैक परीक्षण भी कह सकते हैं, और यह ट्रांसफॉर्मर के अंदर लोहा हानि, तामर हानि और तापन प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह जो संपनर या बैक टू बैक परीक्षण होता है, इसके अंदर दो समान ट्रांसफॉर्मर, यानी जहाँ पर बैक टू बैक शब्द आ गया, मोटर के अंदर भी आता है बैक टू बैक परीक्षण, तो उसमें भी दो मोटर होती है, ट्रांसफॉर्मर में आ गया तो दो समान मान के ट्रांसफॉर्मर होंगे, एक दूसरे पर भारित किए हुए, यानी इसके एक दूसरे पर भारित का से क्या है कि एक का विभव दूसरे पर भारित हो रहा है, तो यानी इस संपनर परीक्षण के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के संयोजन एक दूसरे पर भारित किए जाते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात एक की जो वोल्टता की जो ध्रुवता होती है उससे दूसरे की एकदम विपरीत होती है, परिणामी एक दूसरे का विलोपन करके परिणामी वोल्टता शून्य होती है, यानी दोनों की मिश्रित वोल्टता शून्य हो जाती है। तो बैक टू बैक परीक्षण या संपनर परीक्षण के अंदर क्या पूछा है, द्वितीयक के स्थानीय परिपथ की कुल वोल्टता, यानी सेकेंडरी में स्थानीय परिपथ, यानी दोनों की मिक्स की वोल्टता क्या होगी, शून्य के बराबर होगी, तो किसमें, ए ऑप्शन सही होगा इसका, शून्य के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, परिणामितर में सल्जिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है, यानी परिणामितर में सल्जिंग किस कारण होता है, ऑप्शन देखो, तेल में उपस्थित नमी, टंकी के अंदर उपस्थित धूल कण, तेल का ऑक्सीकरण, तेल का वाष्पीकरण, तेल में उपस्थित धूल कण। तो राइट आंसर क्या होगा, तेल का ऑक्सीकरण, यानी तेल का ऑक्सीकरण होने के कारण उसका चालकत्व का गुण घट जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेल का ऑक्सीकरण होना, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से परीक्षण में दो समान परिणामितर की आवश्यकता होती है, यह आगे देखो, संपनर परीक्षण या बैक टू बैक परीक्षण में दो समान परिणामितरों की आवश्यकता होती है, आ गया वापस ऊपर जो बताया था, यानी तो क्या हो गया कि दो समान परिणामितरों की आवश्यकता होती है, और यदि इसमें पूछ ले, ये भी पूछ लेते कि वह कौन सा परीक्षण है जिसमें दो ट्रांसफॉर्मर को एक दूसरे पर भारित किया जाता है, तो भी यही होता है बैक टू बैक या संपनर परीक्षण, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक टू बैक परीक्षण, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिणामितर के शोषक में प्रयुक्त रसायन होता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मर का जो ब्रीदर है इसके अंदर कौन सा रसायन डाला जाता है, तो इसके अंदर सिलिका जेल डाली जाती है, तो ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामितर पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लोहानी नगण्य होती है क्योंकि, यानी परिणामितर के अंदर ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे ओपन सर्किट के बारे में पूछा, शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा है, परिणामितर पर लघु परिपथ परीक्षण, यानी लघु परिपथ परीक्षण का से क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान लोहा हानि को नगण्य मानते हैं क्यों, ऑप्शन देखो, द्वितीयक पक्ष पर विद्युत धारा नगण्य होती है, यानी सेकेंडरी पर विद्युत धारा नगण्य होती है, दूसरा ऑप्शन देखो, द्वितीयक पक्ष पर वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है, प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार धारा की आपूर्ति नहीं होती है, तो इसमें वास्तव में क्या होता है, प्राथमिक में यानी उच्च वोल्टता साइड बहुत कम, यानी कम वोल्टेज दिया जाता है, 5-10% के आसपास वोल्टेज दिया जाता है, सेकेंडरी में धारा तो पूर्ण भार धारा के बराबर ही होती है, यानी तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, प्राथमिक में जो वोल्टेज दिया जाता है वो निम्न दिया जाता है, यदि इसमें ये लिख देता कि उच्च वोल्टता साइड आरोपित वोल्टता निम्न होती है तो भी सही होता है, क्योंकि उच्च वोल्टता साइड कम आपूर्ति वोल्टेज दी जाती है और निम्न वोल्टता साइड एक
एम्पेयर मीटर के द्वारा लघुपतित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है, यानी जो जीवित चालक है वहाँ आग लग जाए यानी विद्युतीय आग में किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो विद्युतीय आग को बुझाने के लिए हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, यानी उसमें CTCA BCF यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन गैस प्रयुक्त किया जाता है। जबकि ये ऑप्शन इसमें नहीं है तो फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र यानी CO2 अग्निशामक यंत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 अग्निशामक यंत्र यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्विच है जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है, यानी वह कौन सा स्विच है जो दो पथों को एक साथ खोल देता है, यानी दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ है, दो बिंदुओं से संयोजित परिपथ का ऐसे क्या हो गया। मान लो कोई भार है या कोई लोड है, मान लो ये कोई लोड है या भार है, अब इसके दोनों पथ को एक साथ खोल दे, यानी ये स्विच क्या कहलाएगा, यानी दोनों बिंदुओं को एक साथ ऑन या ऑफ कर दे, तो इस स्विच को क्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डबल पोल स्विच। तो ये है डबल पोल सिंगल थ्रो DP ST स्विच। अब इसमें क्या नाम दे रहेगा इसको, यानी दोहरा ब्रेक स्विच, डबल पोल स्विच होता है वो दोहरा ब्रेक स्विच होता है, दोहरा थ्रो स्विच। थ्रो स्विच क्या होता है कि दोहरा थ्रो स्विच का ऐसे क्या हो गया, टू वे स्विच, यानी ये तो हो गया दोहरा थ्रो, यानी सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी इसमें थ्रो डबल है, तो ये नहीं है, ये क्या है, डबल पोल सिंगल थ्रो यानी दोहरा ब्रेक स्विच। हॉर्न गैप स्विच, केंद्र ब्रेक स्विच और एकल ध्रुव स्विच, सिंगल पोल स्विच। तो राइट आंसर क्या हो गया, दोहरा ब्रेक स्विच यानी DP ST भी कह सकते हैं और यह दोहरा ब्रेक स्विच भी से कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया दोहरा ब्रेक स्विच। तो ये पेपर था अपना जो 23 अगस्त 2018 को प्रथम पारी को हुआ था। ठीक है दोस्तों।